लोहरदगा जिले के किस्को वन क्षेत्र के कुछ गांव में बाघ का आतंक इस तरह फैल गया कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पकार पंचायत के तिसैया और उसके आसपास के सलैया व मंडुआ पाट जैसे गांव में बाघ ग्रामीणों के बैलों समेत आधा दर्जन जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। पलामू टाइगर एक्सपर्ट टीम ने यहां आकर जो जांच की उसमें बाघिन की मौजूदगी के प्रमाण मिले। वहीं कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने बाघ को अपनी आंखों से देखा है। जंगलों में बाघिन की उपस्थिति की जानकारी सामने आने के बाद से ही आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। बाघिन की मौजूदगी 21 मई को चर्चा में तब आई थी जब सलैया पंचायत के बड़का मधुआपाट निवासी दृश्य नगेसिया के 3 बैल शिकार हो गए थे। नगेसिया ने बाघ को देखने का दावा करते हुए बताया कि जंगल में बारिश के वक्त मवेशी भटक गए थे और बाघिन के शिकार बन गए। दूर ग्रामीणों के पशुओं को बाघिन ने मारा, जिसके बाद 4 से 6 जुलाई के बीच फिर से क्षेत्रों में दहशत फैल गई है। तो यह बाघ जो है पिछले 2 महीने में 2-3 बार आ रहा है। यह PTR जो है पलामू टाइगर रिजर्व वहाँ से आया है, क्योंकि उनके यहाँ कुल 4 बाघ हैं, उसी में से एक बाघ हो सकता है। ग्रामीणों को इसे दिक्कत हो रही है जो उसके पशु मारे जा रहे हैं। कैमरा हम लोग के पास उपलब्ध नहीं था तो PTR से भेजा गया है। 5 कैमरे हैं कुल, जिसको संभावित स्थानों पर लगाया गया।